मुसलमीन के तमाम सदर मोतमदी अराकीन अराकीन बल्दिया आज मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की एजुकेशन किट के तकसीम का तीसरा दिन है और आज हल्के असेंबली कारवान नामपल्ली जुबली हिल्स और दीगर शहर हैदराबाद के असेंबली हल्के जात में इस एजुकेशन किट को उर्दू स्कूल्स के मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात को दिया जा रहा है। छठी जमात के 907 तुलबा और तालिबात को, सातवीं जमात के करीब 960, आठवीं जमात के 855, नौवीं जमात के 620 और दसवीं क्लास के 612 तुलबा और तालिबात को आज अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन किट दिया जा रहा है। तो आज कुल तादाद जो तुलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह 3955 तुलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जा रहा है। मैं आज इस मौके पर इस बात को भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना की हुकूमत ने और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन ने भी इस बात की नुमाइंदगी की थी और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को कबूल किया और एक सुदीर कमेटी को बनाया था। सुदीर कमेटी ने तेलंगाना में मुसलमानों के समाजी इक्तसादी तालीमी और सेहत में रोज़गार में गरीबी में इनका क्या मौक़िफ़ है और बच्चियां तालीम एनरोलमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं कितने बाहर हैं, हुकूमत में मुसलमानों के नौकरियों में कितना तनासुब है और हुकूमत में दीगर जितने महकमे जात हैं उस पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या है और सिफारिशात भी उस रिपोर्ट ने पेश किए थे तेलंगाना की हुकूमत को। उस सुदीर कमीशन की रिपोर्ट 2016 में उसको कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद उस कमेटी ने तेलंगाना के मुसलमानों के ताल्लुक से कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों के अंदर वो हमारे हिंदू भाइयों के बैकवर्ड कास्ट से भी उनका मौक़िफ़ कम है और उस रिपोर्ट ने कहा था कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों पूरे मुसलमानों को नहीं जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट थे उनको रिजर्वेशन या तहफ़ुज़ात मिलना चाहिए और इसलिए नहीं बल्कि वो मुसलमान इसलिए क्योंकि जो पसमानदगी का बैकवर्डनेस का क्राइटीरिया है जो मंडल कमीशन ने इंदिरा साहनी के जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस बुनियाद पर मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है कास्ट है उनको मिलना चाहिए और उस कमीशन ने ये कहा कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा है वो नामुनासिब है क्योंकि उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों में 81% जो मुसलमानों में जो कास्ट है बैकवर्ड क्लास की वो पसमानदा है बैकवर्ड है। तो उस कमीशन ने सुदीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तहफ़ुज़ात 9% से और 12% तक मिलना चाहिए 9-12% को मैं सिफारिश की सुदीर कमेटी ने जिसमें हमारे क्रीमी लेयर को भी शामिल किया गया जो मुसलमान क्रीमी लेयर में नहीं आते रिजर्वेशन ना मिले उसकी भी सिफारिश की। तो बीसीई कैटेगरी में सुदीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट है उनको 9% से लेकर 12% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए और हमारे आईन के
कॉन्स्टिट्यूशन की आईन की आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। तो सुदीर कमेटी ने ये तमाम चीजें गौर की और सुदीर कमेटी ने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है तेलंगाना में, उसमें से सिर्फ 13.3% यानी 13% लोग सिर्फ मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं और 16% मुसलमान कभी भी किसी भी तालीम इदारे में शामिल नहीं हुए। ये हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों से उसके बाद तेलंगाना के मुसलमानों का दूसरा नंबर आता है। और साथ ही साथ सुदीर कमेटी ने ये भी कहा कि मुसलमान ड्रॉप आउट रेट में सबसे ज़्यादा हैं और मुसलमानों की तालीम तर्क करने के कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसलमान बच्चों और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों की कमी है और इसीलिए एक बड़ी वजह बनती है कि मुसलमान अपनी गरीबी की वजह से अपनी औलाद को तालीम नहीं दिला सकता। और उस रिपोर्ट सुदीर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 62% मुसलमान तेलंगाना में नॉन पक्का घरों में, नॉन पक्का हाउसेज में रहते हैं, जो तमाम दीगर कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा है। सिर्फ 10% मुसलमानों को बैंक से लोन मिलता है, सिर्फ 5% मुसलमान इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करते हैं, जबकि हम आबादी में 13% हैं और हमारे सिर्फ 5% बच्चे इंटरमीडिएट मुसलमान गवर्नमेंट पोस्ट पर है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल लेबर में कैजुअल लेबर के तौर पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा है मुसलमानों में, 26.5% मुसलमान वर्कर्स कैजुअल लेबर के तौर पर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर काम करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का 23.1% और शेड्यूल ट्राइब लोगों का 23.8%। सिर्फ 4% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में और कैजुअल लेबर का आपको बता दिया हूँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। तो इससे तमाम बातें मालूम होती हैं कि ज़्यादा मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं है और बेरोजगारी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ये आदाद व शुमार में पेश आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि ये तेलंगाना की हुकूमत की बनाई हुई सुदीर कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आज के इस फंक्शन से तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है वो नाकाफी है और हम खैर मुकदम करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से वजीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुदीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुदीर कमेटी हिदाय जा रहे नजीर साहब इनको नीचे उतार दीजिए, जो लेडी है वो पीछे चले जाइए, आप तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। गर्ल्स पीछे चले जाइए आप लोग, चलिए नीचे उतर जाइए। तो 10th क्लास के तलबा और तालिबान हैं, अपना कूपन यहाँ जमा करा दें। नकबी मिलत अली चौधरी साहब के दस्ते मुबारक से तकसीम अमल में लाई जा रही है। बैच लेने के बाद अपने अपने स्कूल के जिम्मेदार और गाड़ियों के पास तशरीफ ले जाएँ, सीधी जाने से तशरीफ लाइए और जाने जाने उतर जाइए। 6, 7, 8, 9 के अगर कुछ तलबा और तालबा बचे हैं तो वो काउंटर से रुजू होकर हासिल कर सकते हैं। मौलाना सैयद अहमद पाशा फातिह साहब मोहतमद उमी वो रुकन असेंबली खुद के हाथों भी तकसीम होने में लाई जा रही है, दाएँ दफ्तर आप हासिल कर सकते हैं। अपना अपना टोकन अपने हाथ पर रखिए। पीछे नहीं, आप पीछे उतर दीजिए। लाइन के जरिए आइए, अपने अपने टोकन अपने हाथों में रखिए। दसवीं जमात के तुलबा व तालिबात जो टोकन जिनके पास है वो डाइस के करीब तशरीफ लाएं, सदर मजलिस के दस्ते मुबारक से कुछ दी जाएगी। आप तमाम तुलबा का असातिज़ा का स्कूल के जमात आपको और बैठ दी जाएगी। टोकन अपने अपने हाथ में रखिए।
कोना कोने बाइस के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। दसवीं जमात के तलबा और तलबा यहाँ का इस्तेमाल आ सकते हैं। बॉयज नीचे से भी हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे चैनल पाशा खाली साहब हॉस्पिटल से भी मौजूद है, चलिए टोकन देकर आप अपना बैग हासिल कर सकते हैं। बॉयज टोकन के बगैर नहीं दिया जाएगा, टोकन आप संभाल के अपने हाथ में रखिए, नीचे से भी हासिल कर सकते हैं आप। मोहना से रमत पैसा खाली साहब मौजूद है। फैलिए मत मेहरबानी, आप लेने के बाद आगे नीचे स्टेप के नीचे चले जाइए। मिलने के बाद अपने स्कूल की जिम्मेदारी से जाकर मिलिए और अपने अपने बसों के पास चले जाइए।